कोर्ट के परिसर में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसकी साफ सफाई और पक्षकारों को सुविधा देने की मांग नेशनलिस्ट अमन पार्टी ने की है। पार्टी के अध्यक्ष निशा शेख ने कल्याण न्यायालय और PWD विभाग को एक निवेदन देकर कल्याण न्यायालय में साफ सफाई के अलावा पक्षकारों को पीने का पानी मुहैया करने की मांग की है। निशा शेख ने कहा है कि यहाँ के बाथरूम में भारी गंदगी है, जिसके कारण इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट के बाहर ग्राउंड तथा पार्किंग साइड में बारिश के कारण जल भराव हो गया है। पक्षकारों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बाहर पतरे के शेड में कुर्सी पंखा तक नहीं है, पीने के पानी की सुविधा तक नहीं है, आम आदमी को मूलभूत सुविधा नहीं है। इसलिए PWD विभाग और कल्याण न्यायालय इस ओर ध्यान दे, ऐसी मांग निशा शेख ने की है। बताया जाता है कि शौचालय का दूषित पानी कोर्ट परिसर में बहता है। बारिश के मौसम में पक्षकारों को खड़े रहने की जगह नहीं है। पार्किंग में कंक्रीटकरण करने की मांग की गई है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। पुरानी इमारत में जो खिड़कियाँ हैं उसमें से आवारा कुत्ते तथा बिल्लियों का आना जाना है। इन सब मूलभूत सुविधाओं की ओर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका और PWD विभाग ने ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा कहना है कुछ वकीलों का। निसार शेख है, मैं नेशनल अमन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। और कोर्ट परिसर में जो गंदगी और टॉयलेट का प्रॉब्लम ये सब है, वहाँ इतनी बदबू इतनी गंदगी है कि जिसकी हद नहीं। वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, और कोर्ट परिसर में कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। और आज तो पूरा पानी भरा हुआ है, पानी जाने का रास्ता नहीं है। और वकीलों को भी इतनी तकलीफ है, उनको भी बैठने जगह नहीं है। उन लोगों ने भी मुझे बताया कि यहाँ एक पंखा तक के नहीं लगा है। मैं PWD और म्यूनसिपाल्टी से ये चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए, और स्वच्छता अभियान जो आप चला रहे हो वो तो कोर्ट परिसर और तहसीलदार में भी चलाया जाए। बस ये मेरी डिमांड है।